बिलासपुर जिले से संबंध रखने वाले आरएसएस के 3 कार्यकर्ताओं ने अपनी निजी गाड़ियों को एम्बुलेंस के रूप में कार्य करने की पेशकश की है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में एम्बुलेंस की कोई कमी ना आए, इसको लेकर जकात खाना के पुनीत शर्मा ने बताया कि सेवा भारती के माध्यम से जिला प्रशासन को अपनी निजी गाड़ी को एम्बुलेंस के रूप में प्रयोग करने का प्रस्ताव जिला प्रशासन को दिया है। यदि कोविड मरीज को आने जाने या मृत्यु होने पर एम्बुलेंस की कमी पाई जाती है तो इन निजी गाड़ियों की एम्बुलेंस के रूप में सहायता ली जा सकेगी। इसके लिए प्रशासन द्वारा इन गाड़ियों को एम्बुलेंस वाली सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी, तभी इन गाड़ियों को सेवा में लिया जाएगा। गाड़ी के मालिक पुनीत शर्मा के अनुसार यदि एम्बुलेंस चालकों की भी कमी होगी तो वह स्वयं अपनी गाड़ियों पर चालक की भूमिका निभाएंगे और कोरोना पॉजिटिव लोगों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि सेवा भारती के माध्यम से यह कार्य हम करेंगे और इन परिस्थितियों में हम प्रशासन के साथ हैं। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है कि ऐसी स्थिति में एक दूसरे का सहयोग करें। कोरोना महामारी के इस विकट समय में सरकार सभी प्रकार से कोशिशें कर रही है कि हमारे इस समाज को कोरोना की इस विकट परिस्थिति से बाहर निकाला जाए। इन्हीं सारी परिस्थितियों को देखते हुए और जिस प्रकार दिन प्रतिदिन कोरोना के रोगियों की संख्या अपने प्रदेश में और देश में बढ़ रही है, तो उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए कि सरकार को संसाधनों में कोई कमी ना आए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेवा भारती के माध्यम से हमने जिलाधीश महोदय रोहित जम्बाल जी से बातचीत की और उनको अपनी तरफ से हमने एक आवेदन किया था कि अपने विभिन्न ब्लॉकों में एम्बुलेंसों में कमी आ रही है, एम्बुलेंस की सेवाएं जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो हमने उनसे एक आग्रह किया था कि अगर प्रशासन चाहे तो हमारी गाड़ियों को एम्बुलेंस के रूप में वो प्रयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारे इस आग्रह को माना है और हमें 3 गाड़ियों की जो परमिशन है वो प्रशासन ने एम्बुलेंस के रूप में प्रदान कर दी है। तो प्रशासन को हमने ये आश्वासन दिलाया है कि जिस भी समय प्रशासन को आवश्यकता रहेगी, सहयोग की आवश्यकता रहेगी, हम उनके साथ दिन रात खड़े हैं और जब भी प्रशासन हमें याद करेगा सभी प्रकार के सेवा कार्यों के लिए सेवा भारती के माध्यम से हमारे सारे स्वयंसेवक समाज के साथ और शासन के साथ खड़े हुए हैं। इन सारी बातों को देखते हुए हमारे नैना देवी जी के इस क्षेत्र में भी एम्बुलेंस की एक कमी बार बार खल रही थी, तो हमने एक नैना देवी जी के लिए, एक झंडुता के लिए और एक सदर के लिए 3 गाड़ियां उनके माध्यम से एम्बुलेंस के लिए दी हुई हैं। तो हम सभी लोगों से भी यही आग्रह करते हैं कि इस विकट समय में सरकार का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें और घर पर रहें, स्वस्थ रहें, ताकि बाहर इस प्रकार की समस्या ना आए। जिस प्रकार कोरोना के केस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं तो प्रशासन को भी इन सारे केसों को हैंडल करने में समस्या आएगी। हम घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, समय समय पर अपने कोविड टेस्ट कराते रहेंगे, तो हम समाज को भी इस बुरे समय से बाहर निकाल पाएंगे। धन्यवाद।